मेरा नाम है सीएस संदीप बोड़ा और आज हम बात करने जा रहे हैं सीएस के जून 25 और दिसंबर 25 एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप, ए टू जेड कोई भी किसी तरीके की आपकी क्वेरी या डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लासेस बाय करना चाहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट अनलिमिटेड व्यूज के साथ बहुत ही जबरदस्त आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नोट्स वगैरह सारी आपको ए टू जेड पैकेज आपको मिलेगा बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर की गाइडेंस एंड सपोर्ट के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। फटाफट बाय करके क्लासेस अपनी स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीएस में। आपको पता है कुल मिला के तीन लेवल होते हैं। पहला लेवल जो हमारा होता है वो होता है सीएसडब्ल्यूटी, दूसरा होता है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव, तीसरा हमारा होता है सीएस प्रोफेशनल। तीन ये स्टेप करने के बाद हम बन जाते हैं, हमारा ड्रीम पूरा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीएस कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो अगर हम बात करें यहाँ पर सीएस एग्जीक्यूटिव आपको जून 25 या दिसंबर 25 में देना है तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले नंबर पे या तो फिर आप सीएसईटी या सीएस फाउंडेशन अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपने ये नहीं कर रखा तो फिर क्या आपको करना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी कम से कम कितने मार्क्स के साथ, 50% या उससे ज़्यादा किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स मेडिकल कॉमर्स नॉन कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखे हैं तो आपके एग्रीगेट जो है वो परसेंटेज जो होनी चाहिए 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो जितने भी आपके चाहे 35% भी क्यों नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द डायरेक्ट एंट्री सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सीए फाइनल या सीएमए फाइनल पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम देने के लिए डायरेक्ट एंट्री, मतलब आपकी सीएसडब्ल्यूटी एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट कौन से हैं। कुल मिला के हमारे ग्रुप वन में चार सब्जेक्ट हैं, ग्रुप टू में तीन सब्जेक्ट हैं। ग्रुप वन में हमारे जो चार सब्जेक्ट हैं, पहला पेपर है जेआईजीएल, दूसरा पेपर है हमारा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तीसरा पेपर है हमारा एसबीआईएल सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, चौथा पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ग्रुप टू में हमारे हैं तीन पेपर, पहला पेपर है हमारा सीएमएसएल कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, दूसरा पेपर है ECIPL इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, और सातवां पेपर मतलब तीसरा पेपर है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में हमारे दो यूनिट है, पहला यूनिट है इनकम टैक्स का, वो है 60 नंबर का, दूसरा यूनिट है इनडायरेक्ट टैक्स का दैट इज GST एंड कस्टम कितने नंबर का, वो है हमारा 40 नंबर का दोनों मिला के। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट चीज वो है रजिस्ट्रेशन डेट, आप कब तक करवा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं बच्चों की। तो डेट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप जून 2025 में अपीयर होना चाहते हैं तो जून 2025 में अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, जून 2025 में अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको 30 नवंबर 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही होगी। ठीक, 30 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप बोथ ग्रुप में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, जून 25 में अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हैं तो आप 31 जनवरी 2025 तक जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तब तक आप जून 25 में आप एक ग्रुप देने के लिए पहला ग्रुप या दूसरा जो भी आप एक ग्रुप आप जून 25 में दे सकते हैं और दूसरा ग्रुप आप दिसंबर 25 में देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन वन टाइम होती है, 5 साल के लिए वैलिडिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई दोबारा फिर करवानी पड़ेगी, नहीं, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होती है, पूरी एग्जीक्यूटिव की होती है। ठीक है, दोबारा पे नहीं करनी होती, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये इसके ऊपर भी होता है कि सर हमने जून में एक ग्रुप दिया तो जब दूसरा ग्रुप देंगे तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं, रजिस्ट्रेशन जो होती है वो पूरे एग्जीक्यूटिव लेवल की ही होती है। क्लियर, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप दिसंबर 2025 में एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको एक ग्रुप अगर देना चाहते हैं, दिसंबर 2025 में एक ग्रुप देना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 तक जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 31 जुलाई 2025 तक जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, यू आर एलिजिबल। ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर 2025 में तो आपको 31 मई 2025 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, 31 मई 2025 उसके बाद नहीं। ठीक है, चाहे आप आज करवा लीजिए जिस भी डेट को आपको वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो 31 मई 2025
लास्ट डेट होगी दिसंबर 2025 में एग्जाम में अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं खर्चा कितना आने वाला है। देखिए अगर आप तो डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रूट मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए फाइनल पास, सीएमए फाइनल पास, इस रास्ते से अगर आप सीए सेक्रेटरी के पहुंचे हैं, ठीक है, तो आपको कुल मिला के 21,500 रुपए का खर्चा होगा। 500 रुपए का एक होता है वो ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं जोड़ा बीच में। कुल मिला के 21,500 का खर्चा होगा, उसमें से आपकी रजिस्ट्रेशन का खर्चा 2,000 रुपए, आपकी एजुकेशन फीस का खर्चा 12,500 रुपए, ठीक है, आपकी प्री एग्जामिनेशन की कॉस्ट 1,000 रुपए, ओडीओपी की कॉस्ट 600 रुपए और सीएसईटी एग्जामिनेशन फीस होती है 5,000 रुपए, ठीक है, जो सीएसईटी जिन बच्चों ने नहीं दिया मतलब डायरेक्ट एंट्री वालों को 5,000 रुपए ये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो कुल मिला के 21,500 रुपए आपको पे करना होगा एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, अगर आप सीएसईटी रूट के थ्रू हैं तो आपको कुल मिला के 16,500, मतलब ये जो 5,000 रुपए सीएसईटी एग्जामिनेशन का था वो खर्चा आपका सेव हो जाएगा, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। क्लियर, ये आपका पैसा बच जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि बुक्स आपको जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स आएंगी वो इसी में ही आएंगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वही बुक्स में से आपको करना है। अगर आप मान लीजिए क्लासेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी क्लासेस अगर आप लेते हैं तो उसमें सारे आपको कई अपना इंस्टीट्यूट की बुक्स की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल ऑलरेडी कवर्ड होता है हमारे नोट्स में, ठीक है। उसके बाद आपके साथ में एक खर्चा और होता है, इसके बाद एग्जामिनेशन फीस। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पता है एग्जामिनेशन फीस होती है, एग्जाम फीस पहले 1200 रुपये हुआ करती थी, अब बढ़ा के 1500 कर दी गई है, एक ग्रुप की, दोनों ग्रुप की 3000 रुपये कर दी गई है, ठीक है जी। ये तो बात हो गई खर्चे की, कितना खर्चा आपका होने वाला है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन जून के लिए कराइए चाहे दिसंबर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता है जी, आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको चाहिए 40 नंबर। मान लीजिए ग्रुप वन आप देते हैं, ग्रुप वन में 4 पेपर हैं, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट 50%, मतलब टोटल पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। ग्रुप टू में कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 और एग्रीगेट 50%, मतलब 150 मार्क्स चाहिए। उसके बाद अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठा देते हैं तो 7 पेपर में कम से कम 40 और एग्रीगेट आपको 350 नंबर। अब 350 ऐसे भी हो सकता है कि 230 आपने पहले ग्रुप में ले लिए, 220 मान लीजिए पहले ग्रुप में ले लिए, 230 और 120 दूसरे ग्रुप में दे दिए, 230 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 350, तो यू आर क्वालिफाई द सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। पहले क्या इंस्टीट्यूट ने जब प्रोस्पेक्टस आया था ये नए सिलेबस का, तब इंस्टीट्यूट ने बोला था 80-20 की रेशियो में होगा, मतलब 80 डिस्क्रिप्टिव 20% एमसीक्यू। बट कुल मिला के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव ही पेपर आ रहे हैं 100%, ठीक है, 100% डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं। एमसीक्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फंडा नहीं है, ठीक है, तो एमसीक्यू को भूल जाइए, 100% रिटन पेपर आएगा, जो नॉर्मल अभी तक आप पेपर देते आए हैं, ठीक है, उसी तरीके का नॉर्मल पेपर आएगा, कोई एमसीक्यू वगैरह ट्रू फॉल्स ये वो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा पेपर आएगा। क्लियर, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कुल मिला के अभी तक हमने मोड पैटर्न वगैरह की बात करी, ठीक है, अब लास्ट अगर बात करें कि अब हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, प्रिपरेशन कम से कम कितना टाइम लेना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन के लिए आपको मान के चलिए अगर आप अच्छे से सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 महीने मिनिमम अच्छे से देने चाहिए, ठीक है। अगर आप 6 महीने का टाइम लेते हैं और आप चाहते हैं कि गारंटेड आपका सिंगल ग्रुप जो है वो अटेम्प्ट जब आप करें तो पहली बार में ही क्रैक कर जाएं 101% गारंटी के साथ, तो आप 6 महीने मतलब 6 महीने का अपने आपको समय दीजिए, 6 महीने का अपने आपको समय दीजिए और कम से कम 4 से 6 घंटे का डेली का स्केड्यूल निकालिए, ठीक है। अदरवाइज फिर डाउटफुल रहता है हमेशा, ठीक है। अब मैं 6 महीने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको मान के चलिए आप कहोगे सर इंस्टीट्यूट ने तो देखा जाए तो 4 महीने का टाइम दिया सिंगल ग्रुप के लिए, तो आप कह रहे हो 6 महीने का, 4 महीने में आपका ग्रुप तैयार हो जाएगा, 2 महीने में आप रिवीजन, रिटर्न प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब कुछ ये करके तामझाम आप मल्टीपल रिवीजन के साथ आप अश्योर हो जाओगे, गारंटेड हो जाओगे, चाहे रिजल्ट 2% क्यों ना आए
आपका रिजल्ट जरूर निकलेगा, आप जरूर पास होगे, ठीक क्लियर है। इसके अलावा कोई आपकी किसी तरीके की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, ठीक है। जल्द से जल्द मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा। और सी एस एग्री क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर जो के सी सी ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे, अनलिमिटेड व्यूज, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, टीचर की सपोर्ट के साथ, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ, जी हाँ पास्ट ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के साथ आपको सारा कंटेंट मिलेगा। किसी तरीके का कोई भी आपको नया पैसा स्कैनर्स वगैरह बुक्स वगैरह के लिए ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।